अन अकेडमी। कल मैं निधि न्यू पैटर्न का एरर करवाऊंगी, न्यू पैटर्न का एरर करवा दूंगी, बट जरूरी नहीं है कि उसी पैटर्न में आए। आप ये मत सोचना कि मैम इसी पैटर्न में आएगा, प्री में कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा, जो भी होगा मेंस में हो, मैं आपको सब पैटर्न का करवाऊंगी। किथ एंड किन सही है, किथ एंड किन का मतलब होता है ना, किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव्स को बोलते हैं, अपने रिलेटिव्स, किथ एंड किन। आपका 30 से 50 हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलो आंसर बताओ। मिलियंस ऑफ ज्यूज ने अपने रिलेटिव्स, अपने सगे संबंधी खो दिया है हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स में। कॉमली आया था, वेरी गुड भारती, तो आपने तो बना लिया होगा। मैंने तो कॉमली कटरीना से बनाया था, कॉमली कमली कमली कटरीना बताया था। कॉमली का मतलब होता है वेरी प्लेजेंट, वेरी ब्यूटिफुल, ऐसा कुछ बताया। आपने तो सही किया होगा, अट्रैक्टिव, हाँ वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। हाँ चलो इसका आंसर बताओ, चार्मिंग। इसका आंसर नो है, नो एरर है ना, इसमें एरर है। हिटलर के, वेरी गुड अंकिता, हिटलर के कंसेंट्रेशन कैंप्स में, इन हिटलर कंसेंट्रेशन नहीं है, हिटलर्स, हिटलर के कैंप में बहुत सारे। प्रीति था ऑप्शन में ना, तब तो आपने कर लिया होगा प्रीति। अगर सिनोनिम्स पूछा होगा तो प्रीति का मतलब सुंदर है। इन कैंप्स, इन कंसेंट्रेट, एट कैंप नहीं होगा, इन उनके कैंप के अंदर जो लोग थे। टुडे पीपल इज इग्नोरेंट ऑफ द, यस टुडे पीपल इज इग्नोरेंट ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड देम। जल्दी जल्दी आंसर देना है, सब जोश खत्म हो जाता। पहला दिन बहुत इंटरेस्ट में आते हैं। मैम सीपीओ का शुरू करिए ना, सीपीओ का शुरू करिए, कर दिया। आर होगा, पीपल प्लूरल होता है, पीपल आर। नेक्स्ट, व्हेन एल्बर्ट स्टेड एट द अफ्रीकन जंगल ही चोज टू पुट अप विद मेनी इनकन्वीनियंसेस सच एज वाइल्ड एनिमल्स एंड पॉइजनस इंसेक्ट्स। अरे मैंने स्लेंडर और स्लैंडर में कंफ्यूज हो गया। स्लैंडर करना मतलब किसी का नाम खराब करना, क्रिटिसाइज करना, डिफेम करना, नाम खराब करना, इंसल्ट करना। और ये स्लेंडर, ये स्लैंडर वर्ब है, और ये स्लेंडर का मतलब है कोई भी चीज़ बहुत थिन। ये तो करवाया है, बहुत थिन है, पतला सा है, बहुत डेलिकेट सा है, स्लेंडर पतला डेलिकेट भी। फेसबुक ग्रुप का नाम भी इंग्लिश विद रानी मैम है। हर जगह इंग्लिश विद रानी मैम। इसमें कल हम लोगों ने 1 लाख फैमिली कंप्लीट किया, यही है। तो एट द जंगल नहीं होता है, जब हम लोग जंगल में थे, इन द जंगल होता है, एट द जंगल नहीं है, इन, इन जंगल एक बड़ा सा जगह है, इन द जंगल, इन द प्रीपोजिशन का एरर है। पीविश भी आया था, वेरी गुड भारती बोल रहे मैम, पीविश भी आया था, इसका मतलब है वर्ड पावर तो आपने कर लिया होगा। नहीं नहीं पास्ट में जा रहा है ना, चूजेस नहीं होगा, चूज प्रेजेंट होता है, ठीक है, चूज प्रेजेंट होता है, चूज का चूजेस होता है, बट इसका पास्ट चूज होता है, और पास्ट टेंस में एस वगैरह थोड़ी लगाओ, इन होगा, इन द जन। आई रिकॉल यू टेलिंग द स्टोरी ऑफ द 7 witches, बट आई कांट रिमेंबर वेर और वेन। वर्ड पावर मैंने बहुत करवा दिया, अब याद ही नहीं रखोगे तो क्या है, याद नहीं रखोगे तो मेरी गलती थोड़ी है। प्रोक्रेस्टिनेट आया था, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है टालना। देखो आ गए पवन सर को बोलिए यार अकेडमी नहीं छोड़े, मैं बोलूंगी उन, नहीं नहीं आई रिकॉल, मुझे याद है, मुझे याद, प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, आई रिकॉल, मैं याद प्रेजेंट में कर रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ कि तुम मुझे स्टोरी, तुमने मुझे स्टोरी बताया था, बट मुझे, अरे अच्छे से देखो ना, यस देखो समझने वाले बच्चे समझ गए,
रिकॉल, आई रिकॉल, मुझे याद है क्या आपका मुझे स्टोरी सुनाना, जिरेंड है और जिरेंड के पहले पोजेसिव केस, आई रिकॉल योर टेलिंग। चलिए नेक्स्ट बताइए, आंसर बताओ। इट हैज बीन शोन दैट हाई डोजेज ऑफ वाइटामिन सी, वाइटामिन सी का हाई डोजेज लोगे ना तो वाइटामिन सी कैंसर कॉज नहीं करेगा। ये वाला कॉज वाइटामिन सी के लिए नहीं है, डोजेज के लिए, और डोजेज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो, कॉज कॉज। With the amount of conflicts in the world, a third world is dash. जिस तरह से वर्ल्ड में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर। हाँ क्या, एमनेट मतलब ओरिजिनेट होना, उत्पन्न होना, एमिनेंट मतलब प्रसिद्ध है, एमिनेंट एमिनेंट मतलब थर्ड वर्ल्ड जल्द से जल्द, मतलब लग रहा है कि हो कर रहेगा, अनअवॉइडेबल, थर्ड वर्ल्ड इज अबाउट टू हैपन, जिस जो होकर रहेगा, अनअवॉइडेबल है, जिसको टाला नहीं जा सकता। नेवर डैश मेट एनी गर्ल सो ब्यूटिफुल, मैं अभी रास्ते में हूँ, सेशन लाइक कर दिया है। जाके रेस्ट करिए, ये नेवर एडवर्ब है, नेवर एडवर्ब है, और जब भी हमारा वाक्य एडवर्ब से शुरू हो ना तो वो इन्वर्जन लेगा, इन्वर्जन। हाँ इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है, लेकिन डिड के साथ वी वन होगा ना, तो यहाँ तो वी टू लगा हुआ, हैव आई लगा, वी थ्री लग सकता है। डिड के साथ तो डिड आई मीट होना चाहिए था, मीट, बट ये तो मेट लगा। The army has been dashed to be ready to control the floods. Hardly scarcely been version लेता है, but अगर sentence के शुरू में हो। Warn थोड़ी हो गया, army को warn किया गया, army को चेतावनी थोड़ी दी गई है, flood को लेकर army को सचेत alert किया गया। वॉर्न का मतलब है चेतावनी देना, अलर्ट, अलर्ट किया गया, खतरे से अलर्ट किया जाता। अवेकन का मतलब है अवेकन करना, सोया हुआ है उसको जगाना, जागरूक नहीं करना है, कि रेडी रहो, एकदम रेडी रहो फ्लड को कंट्रोल करना, अलर्टेड हो। द रिलेशन बिटवीन पीएम एंड यूएस प्रेसिडेंट इज परफेक्टली डैश, दो लोगों के बीच का रिलेशन क्या है, द रिलेशन इज वेरी एक्सीलेंट नहीं होगा, वेरी कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब है वेरी फॉर्मल, वेरी पोलाइट है, कॉर्डियल का मतलब होता है वेरी पोलाइट, वेरी फ्रेंडली, स्मूथ का मतलब होता है ना बिना अप्स एंड डाउन्स के, स्मूथ रिलेशंस का मतलब है लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, अब ठीक हो गया है, स्मूथ जा रहा है, बट रिलेशन है कॉर्डियल है, फॉर्मल और कॉर्डियल। Dash the management and staff lead to eventual collapse of the business. Friction, friction का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, एब्रेशन का मतलब ना जो मतलब कोई भी सरफेस रफ हो, छिल गया हो, स्किन वगैरह भी छिल गया, उसको फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट,
डिसएग्रीमेंट, सिनोनिम्स पे आ जाओ। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, इनअफेबल, इनअफेबल मतलब जिसको जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वो नहीं है, जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इतना अच्छा है ना, आप बोलते हो ना अरे इतना शानदार था कि मैं इसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती, इतना परफेक्ट था, इतना एक्सीलेंट था कि आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। एस्पियोनेज सिनोनिम से, ये सब मुझे पता नहीं था कि मैम ए टू जेड में एन एम एन ओ पी में रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। मैं अपनी टीम से बात करती हूँ, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है इसलिए पीडीएफ नहीं निकाल। क्या क्या है एन ओ पी का है ना, एन ओ पी बात करती हूँ। एस्पियोनेज का मतलब है जासूसी करना, हिप्नोटिज्म का मतलब है अपने वश में कर लेना, वशीकरण, परसेप्शन का मतलब है आपका नजरिया, आपका थॉट, स्लेवरी का मतलब गुलामी, अपैथी, अपैथी, अपैथी का मतलब है एकदम उदासीन, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, इनडिफरेंस, गस्टो, गस्टो का बताओ, अंदर गस्टो तो एक क्या स्कूटी वगैरह भी है ना, गस्टो, गस्टो का मतलब होता है एकदम एंथुजियाज्म, वर्ब, जिसको वर्ब, वर्ब भी बोलते हैं, वी ई आर वी, वर्ब पढ़ते समय पूरे जोश में पढ़ते हो। एडवर्सरी, जेलस नहीं, जीलस, जीलस, वर्षा, जील, जील, ये वाला जीलस, वो वाला तो जेलस तो ईर्ष्या वाला है, किसी से जलन रखना, ईर्ष्या रख, एडवर्सरी का मतलब होता है ना, एक तो एडवर्सिटी होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है सफरिंग, दुख, दर्द, दुर्दशा, दुर्दशा, एडवर्सिटी मतलब बुरा वक्त, और ये एडवर्सरी का मतलब है आपके विरोधी। आपके ओपोनेंट, आपके राइवल, आपके कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर, अब आ जाओ एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स थियोरिटिकल कोई भी चीज ना प्रैक्टिकली नहीं है, ये सिर्फ किताबों में ही अच्छा लगता है, इम्प्रैक्टिकल। I'm in class. Okay, I'll send you the video after 4 o'clock. और after 2 o'clock, 2 o'clock, ठीक है, ठीक है। चलो theoretical, theoretical का मतलब क्या है? पीछे ही पड़ जाते हैं। प्रैक्टिकल, थियोरिटिकल मतलब ही प्रैक्टिकल, सिर्फ थ्योरी में ही है, इसका प्रैक्टिकल नहीं। मिटिगेट करना, इंपेरिकल, वेरी गुड, इंपेरिकल का मतलब भी वही। मिटिगेट करना, मिटिगेट करना मतलब किसी को शांत करना, किसी को काम डाउन करना,
काम डाउन करना, किसी के दुख दर्द को एलिविएट करना, ये वाला एलिवेट कम करना, एसुएज करना, तो ये सिनोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है। हमें एंटोनिम्स करना है, दुख दर्द को बढ़ा देना है, एग्रावेट, मल्टीप्लाई अलग है, मल्टीप्लाई फैलना कोई चीज। एलिगेंस, अभी हम लोग एंटेनिम कर रहे हैं, सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना। इतना हल्ला हंगामा करते हो ना कि मैम सीपीओ का सीरीज ले आइए, सीपीओ का सीरीज ले आइए, और ले आने के बाद फिर क्लास में प्रॉपरली आते भी नहीं हो। टीचर इतने मेहनत से मॉक्स बना के लाते हैं, फिर उसके बाद आते भी नहीं हो। उसके बाद तो मैं ये सब देखते हुए ना स्टेनो का तो रोक ही दूंगी, मैं कोई दूसरा चीज स्टार्ट कर दूंगी। एलिगेंट का मतलब होता है बहुत ग्रेसफुल, बहुत ग्रेसफुल मतलब बहुत रिफाइंड, ग्रेसफुल, सभ्य, सिविलाइज्ड, और ये तो ग्रेसलेस। फ्रेग्रेंस का मतलब है खुशबू, अच्छी वाली खुशबू, गुड स्मेल। ऑस्टेंटेशियस मतलब दिखावा करना, हिपोक्रेसी एंड ऑल। और वेहिमेंस का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत दृढ़ निश्चय के साथ, फर्मनेस के साथ काम। स्टेनो का नहीं लेके आऊंगी, स्टेनो का सिर्फ जो पहले दिन जोश रहता है, इसीलिए सक्सेस रेट कम होता है। सही बोला है, लर्न इंग्लिश विद मी। यूनिक, 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 ये तो बड़ा यूनिक है। यूनिक का मतलब होता है ना थोड़ा सा हटके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनकॉमन, अनकॉमन। और अनकॉमन का उल्टा क्या हो गया, ऑर्डिनरी है, कॉमन है। ये मॉक्स तैयार कर करके आपको 11-11 मॉक्स लाते हैं टीचर, एनर्जी में इकट्ठा कर। लेकिन हाँ ये भी है कि जो लास्ट तक टिक गया है असली वही सीरियस बच्चा है, उसी में से सिलेक्शन मिलेगा, जो लास्ट तक टिके हुए। सही मिल रहा हूँ। एडमोनिशन, एडमिनिशन ये तो कई बार करवाया, एडमिनिशन का मतलब रिक्वेस्ट थोड़ी होता है। कौन बोल दिया एडमिनिशन का मतलब रिक्वेस्ट, एडमिनिशन का मतलब है एकदम डांट फट डांटना, फटकारना, चेतावनी देना, वार्निंग देना। एडमिनिशन प्रोविजो इसका मतलब भी होता है ऑगरी, वार्निंग देना, वार्निंग, वार्निंग, चेतावनी, वार्निंग देना। ना पीछे पड़ गए हैं, पवन राव सर एन अकेडमी क्यों छोड़ रहे हैं, हम लोग इस पे बात करेंगे, बात करेंगे। आप टेंशन मत लो, ठीक है, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। हम लोग इस पे आराम से बात करेंगे, चार चार ऑप्शन के साथ बात करेंगे कि क्यों छोड़ रहे हैं। चार ऑप्शन दूंगी, उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा सही आंसर हो। अरे 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 रुको रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरे को परेशान, एंटेनिम पूछा है ना, एंटेनिम पूछा है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। ऊपर नहीं लिखा होता है भूल जाते हैं कि क्या करना है। इन्होंने एंटेनिम पूछा है, डराना, धमकाना, और ये तो रिक्वेस्ट करना। आई एम सॉरी, हाँ एंटेनिम होगा, एंटेनिम। हमने सिनोनिम्स कर दिया था, सिनोनिम्स कर दिया था, इसको ठीक कर लेना। पीछे पड़ गए हैं सुबह से, क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं। स्पॉट द एरर, करेक्ट वर्ड बताओ, स्पॉट द करेक्ट वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग किसका दिख रहा है, ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं ना, हड्डियों के डॉक्टर। लाइक माय ब्रदर इज ऑल्सो ऑर्थोपेडिक सर्जन। ऑर्थो ऑर्थो ऑर्थोपेडिक, कभी कभी ना आपको ऑर्थो ऑर्थो ये वाला सही है, कभी कभी आपको ऑर्थो का ये भी स्पेलिंग मिल जाएगा, ऑर्थोपेडिक। ये वाला अमेरिकन स्पेलिंग है, अमेरिकन वाला है, और ये ब्रिटिश वाला है। कभी कभी आपको ये भी मिल जाएगा, पीई डी वाला, यहाँ पीई डबल डी है, ये तो ऐसे नहीं हो,
ये अमेरिकन है और ये ब्रिटिश है, और वैसे हम लोग इंग्लिश में ब्रिटिश को ही मान के चलते। दोनों दोनों अगर दोनों आ गया ना तो हम लोग ब्रिटिश को मानते हैं ना, जैसे ये कलर आ गया, ये ब्रिटिश है और ये अमेरिकन है, हम लोग ब्रिटिश को मानते हैं। स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश हो, करेक्ट वर्ड चुनना, मिसलेनियस। कलोनियल माइंडसेट है, सही बोला। मैम प्रेपोजिशन हो जाएगा अन अकेडमी से, बताइए ना क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई। मिसलेनियस में ना मिस करना, मिस, सेल लिखना सेल, फिर सेल है, ए लिखना, ए जरूर लिखना, ई मत लिखना, अरे यहाँ तो है, ए लिखना, फिर मिसलेनियस सेकेंड वाला है। दोनों सेम है क्या मिस? अरे मुझे तो दोनों सेम ही दिख रहा है ना, सेकेंड और थर्ड सेम है, सेम है ना मिस? हाँ नहीं नहीं सेकेंड सेम नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ई है, यहाँ ये सेम नहीं है, सेम नहीं है। वैक्यूम भी बहुत बार एग्जाम में आया है, वैक्यूम भी आया है। वैक्यूम में सी सिंगल होता है और यू डबल होता है। मैम का चश्मा खराब हो गया, सही बोल रहे हो। मैम की एज भी हो रही है, मैम की एज भी हो रही है, और फ्राइडे आते आते तक तो मैम का दिमाग भी खराब होने लगता है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे तक ठीक रहती है, फ्राइडे को गड़बड़ हो जाता है। ये VAC WM, यू डबल होता है, डबल सी मतलब कंफ्यूजन होता है, बट ये एग्जाम में बहुत बार आया है। सैटरडे संडे, सैटरडे संडे मेरी क्लास है, फिर से भर भर के इस बार सैटरडे से। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, चारों में से कोई भी एक स्पेलिंग रॉन्ग वाला वर्ड बताना है, तीन सही है एक रॉन्ग बताना। हो जाएगा नकुल, हो जाएगा, फिक्स प्रेपोजिशन हो जाएगा। आज भी रात में वोकैब की क्लास है और कल सारे प्लस की भी क्लास है, 9:30 बजे 3:30 बजे सब है। डिस्क्रिपेंसी का स्पेलिंग रॉन्ग है, डिस्परेज करना मतलब किसी को इंसल्ट करना, डाइबॉलिकल का मतलब ना बहुत खराब, बहुत ईविलिश, और डिशेवल्ड करना मतलब डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त, तो डिस्क्रिपेंसी मतलब भेदभाव। इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है बहुत गरीब। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। इनकॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है ना इक्वल वाला, बट इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है अनइक्वल, जो इक्वल नहीं है, डिससिमिलर है, सिमिलैरिटी नहीं है। और इनडोमिटेबल स्पिरिट्स मतलब जो बहुत पावरफुल है, जिसको आप अपने काबू में नहीं कर सकते हो, इनविंसिबल बोलते हैं, कैनॉट बी कॉन्कर्ड। हाँ तो इम्प्यूडेंट का, इम्प्यूडेंस का स्पेलिंग रॉन्ग है, इम्प्यूडेंस का मतलब होता है बहुत रूड, रूखा स्वभाव वाला, DENSE नहीं होता, सी। सेशन से अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना, पता नहीं कितना लाइक किया है। अब तो हमारी क्लास मंडे को ही होगी। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। जीके जीएस को कैसे करें मैम, दुख दर्द है।
आपका तो आराम है मैम, आपको तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, हम लोग का क्या है, चार चार सब्जेक्ट पढ़ना है, चार चार सब्जेक्ट पढ़ना है, आपके जिम्मे तो एक ही सब्जेक्ट है। सही बोला, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये बुल को ना हॉर्न्स उनका उसका सींग पकड़ के बुल को लाना, मतलब हाँ किसी भी सिचुएशन को बहुत बहादुरी पूर्वक टैकल कर। ये लाइन तो सही बोला है, सही बोला है, मेरे से ज्यादा दुख दर्द अपने स्टूडेंट का कौन समझेगा, अ जेंटलमैन एट लार्ज। अच्छे से पढ़िए, बस इमेजिन करिए, मैंने आपको उस दिन प्लस क्लास में बोला था, जब भी लाइफ में आप थोड़ा सा डाउन फील करने लगो, डिप्रेस फील करने लगो ना, अच्छी अच्छी बातें याद करो जो आपके साथ पास्ट में हुई हो, या फ्यूचर में सपने देखने लगो कि वो भी क्या दिन होगा, रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, मैं लैपटॉप के सामने फैमिली से बैठा हूँ, अचानक से मेरा नाम आ जाता है, जिस दिन मैं पहला दिन अपने ऑफिस जाऊँगा, जब मेरी पहली सैलरी आई है, मतलब जॉब जॉब के बाद मेरी पहली दिवाली होगी, ऐसे ऐसे टिप्स से याद करोगे ना तो बहुत एनर्जी मिलती है। अ जेंटलमैन एट लार्ज, आपको लगेगा अरे ये तो जेंटलमैन है, सभ्य पुरुष है, इसका मतलब होता है जेंटलमैन एट लार्ज वो व्यक्ति ना जिसका जॉब चला गया ना, ये देख के पॉजिटिव लगेगा, अरे ये तो जेंटलमैन है, सिविलाइज्ड है, लोगों की मदद करता है, अलग अलग नहीं, जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब है जिसकी जॉब चली गई, इन बिटवीन जॉब्स, इन बिटवीन जॉब्स का मतलब ही अनएम्प्लॉयड है, जॉब चली गई। अच्छा अच्छा लगेगा, देख कर लगेगा कि कुछ अच्छा हो, मीनिंग होगा इसका, लूज फेस। शादी होगी उसके बाद दुखी हो जाओगे, बच्चे होंगे दुखी हो जाएंगे, वो सब याद कर कर दुखी नहीं होगे, उसके बाद जो अपना इंडिपेंडेंट, शादी बच्चे के बाद कोई दुखी थोड़ी होता है, जो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ आप लोग मज़े ले रहे हो ना, उसके बाद आपके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, इसलिए जॉब लेने के बाद तुरंत शादी नहीं करना है, एकदम आराम से अपना 2-3 साल अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर लें, उसके बाद तो हमारे लाइफ में लाइफ का एक फेज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लूज फेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा एम्बेरस होना, शर्मिंदा होना, शर्मिंदा। नहीं शादी रिस्क नहीं होता है सीमा, आप नहीं ले रहे रिस्क, रिस्क नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ है, आप शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब पहले ले लो, जॉब ले लो, गो टू रैक एंड रियोन, कोई रिस्क विस्क नहीं है। अभी मुझे अभी क्लास लेने के पहले ना, अभी मेरी एक गर्ल से बात ही हो रही थी, दुखी थी, अब तो मुझे स्टूडेंट ने ये भी कर दिया है कि मैम आप हमारा ना थोड़ा काउंसलिंग कर दो, इमोशनली सपोर्ट करो, दुखी तो करो भाई, मैं तो आपके पेरेंट्स के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ ना, जो करना है आप ही को करना है। रैक एंड रियून, रैक एंड रियून का मतलब है कोई भी चीज़ बुरे बुरे कंडीशन में चले जाना, कंफ्यूजन में नहीं जाना, केओस में नहीं जाना, बुरे हाल। सीमी साइड, ग्रुप डी का आंसर आ गया, 68 अटेम्प्ट्स किया था, 60 नंबर आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा नंबर है, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। क्या नाम है आपका, रोहित, वेरी गुड, बोल रहे हैं आप मैरिड हो, अच्छा बहुत अच्छा चीज, इन्हें पता चला कि मैं मैरिड हूँ। सीमी साइड, किसी बीच का सीमी साइड मतलब अनप्लेजेंट साइड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, व्हेन समथिंग मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, किड्स भी है,
जो कि किड्स नहीं है, अब मेरे बच्चे किड्स नहीं रहे हैं, अब मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं। समथिंग मूव्स इन अ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, जैसे रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल में ऐसे स्ट्रेट लाइन करते हैं, तो रेक्टिलिनियल मूवमेंट को बोलते हैं। सेंडिंग टू टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर्स ऑफ वंस काइंड, बताओ अपने तरह के लोगों से एसोसिएट होते। ये तो एक बार करवाया था, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस मतलब वेरी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली कॉर्डियल, अपने तरह के लोगों के साथ एसोसिएट होते हो। ग्रीगेरियस किया था हमने। जनरल पार्डन, जनरल पार्डन का मतलब है जनरल माफी दे दी जाती है। कभी कभी क्या होता है ना, जनरल सबको माफ कर दिया जाता है अपनी गलती के लिए, ऐसे को क्या बोलते हैं? सैंक्टिफाई। सैंक्टिफाई का मतलब तो प्यूरिफाई होता है। ग्रेचुटी मिलता है ना रिटायरमेंट के बाद, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट अलाउंस मिलता है। रेड टेपिज्म, जैसे अन अकेडमी है, बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म है, एक्सेसिव फॉर्मेलिटी है इनका, कुछ भी काम करवाने के लिए ना इनको ये सब करवाना पड़ता है। जनरल पैटर्न को एमनेस्टी बोलते हैं। एमनेस्टी का मतलब पार्डन। पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुजियाज्म, आपके अंदर ना जरूरत से ज्यादा जुनून, कट्टरपंथी किसी चीज के लिए, इतना जुनून है ना, उस जुनून को हम पागलपन बोल देते हैं। फैनेटिक हो किसी भी चीज के लिए। कंजर्वेटिव तो रूढ़ीवादी हो गया। किसी का फैन होना अच्छी बात है, और ये जबरा फैन जो होता है ना पागलपन वाला, वो गलत। वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, ये तो बता दो। एक्सट्रीमिस्ट अलग है। एक्सट्रीमिस्ट लोग ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव के होते हैं, नरम गल दल गरम दल वाला। ये लेते हो ना आपके मोबाइल पे पैनोरामिक व्यू लेते हो। पैन पैन का मतलब होता है, पैन का मतलब ये होता है ऑल, चारों तरफ से व्यू से ले रहे, पैनोरामिक व्यू। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टोल्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। टीचर स्टूडेंट ने टीचर से बोला कि प्लीज पैसेज समझा दीजिए। कन्वे तो नहीं होगा, कन्वे का मतलब है कोई मैसेज वगैरह कन्वे का। अब आप बोलोगे मैम टोल्ड में क्या गलती है, कि ये क्यों नहीं हो सकता है, आस्ट क्यों नहीं हो सकता है, सेड क्यों नहीं हो सकता है। टोल्ड में क्या गलती है, आस्ट में भी मतलब सेड में भी क्या गलती है, क्यों नहीं हो सकता है। आस्ट का दो मतलब होता है, एक आस्ट का मतलब है पूछना। आप बोलोगे कि मैं स्टूडेंट ने पूछा थोड़ी है, स्टूडेंट ने कहा और यही आंसर है। एक आस्ट का मतलब एक आस्ट का मतलब कितनी बार बताया, एक आस्ट का मतलब पूछना भी होता है और एक आस्ट का मतलब कहना भी होता है। तो आप बोलोगे मैम टोल्ड का मतलब भी तो कहना होता है, बट थोड़ा सा पोलाइटली बोल रहे हो ना, थोड़ा सा मतलब पोलाइट वे में टीचर को बोला जा रहा है कि प्लीज मैम एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। आस्ट होगा आस्ट। आई स्टूडेंट आस्क द टीचर, पोलाइट, थोड़ा सा पोलाइट होके बोलोगे ना, टीचर से थोड़ा पोलाइटली ही बोलते हो। राम कुक द कॉन्स्पिरसी, एक तो कुक का मतलब है खाना बनाना, और कुकअप का मतलब है मनगढ़ंत फैब्रिकेट करना, मनगढ़ंत कहानी बनाना। हाँ चलो इसका आंसर दे मुझे, इसका आंसर दीजिए ना। फैब्रिकेटेड लग रहा है। फैब्रिकेटेड का मतलब है मनगढ़ंत कॉन्स्पिरसी थोड़ी बनाना, मनगढ़ंत षड्यंत्र थोड़ी रचा है। फॉल्स फॉल्स फैब्रिकेट मतलब फॉल्स, फॉल्स षड्यंत्र थोड़ी रचा है, उसने सच सचमुच का षड्यंत्र रचा है। आगे जाते के तो चीट दिया ही हुआ, हैच्ड। अब बोलोगे मैम हैच तो अंडे वाला होता है, हैच एग्स, ले एग्स।
कॉन्स्पिरसी को भी हैच करना, अंजाम देना, यू क्रिएट, यू फॉर्म अ कॉन्स्पिरसी, किसी के लिए कुछ नया, मतलब किसी के लिए कुछ, किसी के विरुद्ध कुछ गलत कर रहे हो ना, तो हैच अ कॉन्स्पिरसी होता। कल्टीवेट नहीं, कल्टीवेट पॉजिटिव सेंस में होता। कल्टीवेट करना मतलब डेवलप करना, हैच हैच, ये लग रहा था ना। राजा इज अ बैड सिंगर, ही इज स्टोन डेफ। ये रॉन्ग कर सकते हैं, ये रॉन्ग कर सकते हैं उसको। ये एक फ्रेज है, टोन डेफ एक फ्रेज होता है, जिसका मतलब है ट्यून। ये आंसर नहीं, टोन, टोन डेफ मतलब जिसको म्यूजिक के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, जो म्यूजिक के टोन्स और बीट्स होते हैं ना उसके बारे में नॉलेज नहीं है। ही इज अ बैड सिंगर। और स्टोन डेफ का मतलब है पूरी तरह से बहरा है, ये सब तो होगा। टोन डेफ, टोन डेफ का मतलब होता है ना अनअवेयर ऑफ म्यूजिक, मतलब म्यूजिक का बहुत बड़ा जानकार नहीं है, नॉट एबल टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक्स एंड, नहीं तो टर्न डेफ नहीं होता। टर्न डेफ का मतलब तो अलग, ही टर्न डेफ, ही टर्न डेफ मतलब अनसुना कर देना, इग्नोर करना। ओ गॉड, नो इम्प्रूवमेंट। वन नाइट दे सैंग थ्रू द शाइनी वॉटर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ही हैज नोन देम बिगैन टू क्विकली स्विम। जल्दी से आंसर बताइए। एक मिनट एक मिनट, सबसे पहले ऑप्शन छाटो। ही के साथ तो हैव होगा नहीं, ही के साथ हैज होता है, और चूंकि हमारा सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, दे सैंक, वन नाइट दे सैंक पास्ट टेंस में जा रहा है, तो पास्ट, ये वाला भी क्वेश्चन भी गलत है, ये भी नहीं है। और टू स्विम क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर है, अच्छा बिगैन टू स्विम क्विकली, यहाँ तो क्विकली से मिल से बनेगा, ही हैड नोन देम, ही न्यू देम। हाँ चलो अब बताओ क्या होगा, सिंस लगा है ना, सिंस, तब से लेकर तब तक, सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट में जाता है, बट ये तो सिंपल पास्ट है, नहीं होगा। सिंस ही हैड नोन देम, जब से वो उसको जानता था, नहीं नहीं होगा। हैविंग रन बाय एंड लार्ज, अप्स एंड डाउन से उतार चढ़ाव, टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे, बाय एंड लार्ज का मतलब होता है जनरली बेसिकली, अप्स एंड डाउन उतार, हेल्टर स्केल्टर का मतलब है हड़बड़ी में इधर उधर, हड़बड़ी हरी, इधर उधर बेचैन होके हड़बड़ी में दौड़ना, टू एंड फ्रो थोड़ी हो रहा है, हैविंग रन टू एंड फ्रो, रेज, रेज में ना, हेल्टर स्केल्टर इधर उधर, उसको समझ में नहीं आ रहा था, गुस्से में इधर उधर भाग रहा था, हेल्टर स्केल्टर होगा, टू एंड फ्रो थोड़ी हो, हड़बड़ी में बैकवर्ड, और जैसे टू एंड फ्रो मूवमेंट, कभी कोई भी चीज का कभी मूवमेंट, कभी आगे पीछे, जैसे पेंडुलम वगैरह का है, पेंडुलम का टू एंड फ्रो मूवमेंट। कभी कभी आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो, आपको समझ में नहीं आता है ना, तो यू रन हेल्टर स्केल्टर, यू रन हेल्टर स्केल्टर, रन हेल्टर स्केल्टर। अरे आज तो बहुत छोटा सा है। अच्छा आज तो मुझे लग रहा है कि खुश करने वाला क्लोज टेस्ट है, आज क्लोज टेस्ट मुझे बहुत छोटा दिख रहा है।
टेंथ शुरू होगा ना, जो टेंथ शुरू होगा मंडे से, उसमें आ जाना। बनाओ जल्दी से, बना के बताओ मुझे। मैम के एग्जाम, मैम कल एग्जाम था, उसका क्लोज टेस्ट लेंदी आया था। हाँ चलो, वी आर, ये तो बहुत इजी सेट हो गया। वी आर डैश इन अ टाइम, हम एक ऐसे समय पे जी रहे हैं ना जहाँ बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं हमारे लाइफ में। एग्जिस्ट नहीं है, वी आर लिविंग। एग्जिस्टेंस तो अस्तित्व के सेंस में, सरवाइव करना मतलब जैसे भी करके ना आप अपनी लाइफ जी रहे हो। वी आर अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है, वी आर लिविंग। वी आर लिविंग इन अ टाइम ऑफ ग्रेट डैश एंड डैश चेंजेस। कैसा चेंजेस? कोवर्टेड का मतलब होता है डिजायर्ड, कॉन्सिक्वेंट परिणाम स्वरूप। हाँ, कन्वीनियंट, सुविधाजनक चेंजेस नहीं है, कंटिन्यूइंग चेंजेस। पहले आपका आंसर ले लूँ मैं, मैंने पहले ही आंसर बोल दिया। कॉन्सिक्वेंट चेंजेस थोड़ी होगा, कॉन्सिक्वेंट का मतलब है परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली कंटिन्यूअस हमारे लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। द मोस्ट ऑब्वियस डैश ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। चलो बताओ। हमारे वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट ऑब्वियस फीचर, हाँ हमारे वर्ल्ड का, हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज द डैश डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इज द रैपिड, हाँ तेजी से, मैग्नेनिमस मतलब जिसका दिल बड़ा होता है, जेनरस होता है। जेनरस डेवलपमेंट थोड़ी हो, इरेटिक मतलब इरेगुलर, अनप्रिडिक्टेबल, रुक रुक कर। रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और दिस हैज गिवन मैन अ डीपर डैश ऑफ नेचर, अ डीपर, हाँ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। चलो ये हो गया, ये हो गया, वेरी गुड। अब तो आधा गायब होंगे। आज का क्लोज टेस्ट में तो ज़्यादा गायब नहीं हुए, छोटा सा था, छोटे से क्लोज टेस्ट था, गायब नहीं हुए ज़्यादा। ओके, हाँ तीन आया है अजय का, तीन आया है विशाल, नहीं ऋतिक का, फाइव में से फोर आया है। ओके 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 ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फाइव, मुकुल का फाइव में फाइव आया है, गौरव का फोर आया है, अंकिता का फोर आया है, प्यूराज का फोर आया है। चलो पहले पहले दिखा दिया जाए ना आपको, फीचर वाला रॉन्ग कैसे हो गया? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? कि डेवलपमेंट हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा थोड़ी है साइंस एंड डेवलपमेंट होना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट। चलो मैंने क्लोज टेस्ट ये दिखा दिया। वेयर इज द बरो मेड, वेयर इज द बरो, ये बरो को कहाँ बनाया जाता है? ऑन द ट्री, बेयर पॉइंट, अंडर द ग्राउंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ डज द इंसेक्ट मेक यूज ऑफ द पिंसर्स, ये जो इंसेक्ट है अपने पिंसर को कैसे यूज करता है, मतलब उसका इस्तेमाल कैसे करता है। चलो हो गया। नेचर वहां प्रकृति के सेंस में है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर थोड़ी होगा कि जहां भी दिख गया वही लगा दें। वॉट डज द एक्सकवेटर, वेन डज द एक्सकवेटर गो इन साइड हिज बरो, वॉट इज द बिहेवियर ऑफ द क्रिकेट। यहाँ क्रिकेट मतलब क्रिकेट धोनी वाला नहीं है, यहाँ क्रिकेट एक बर्ड है, बर्ड भी हो। वेन सन इज शाइनिंग, क्रिकेट क्या करती है जब सन शाइन होता है। और इसका तो आंसर बताओ मुझे, वैसे पुश सडनली, किसी को बहुत ज्यादा तेजी से पुश करना, इसका तो आंसर यहीं पे मिल जाए। पिंसर क्या होता है पैसेज में देखना, किसी को बहुत तेजी से है ना पुश करना, सडनली क्या करना। अरे इन्होंने पूछा है मीनिंग, रिपोज का मतलब तो रेस्ट होता है, इनक्लीमेंसी का मतलब होता है अनप्लेजेंट, स्टैम्पिंग। स्टैम्पिंग करना, अच्छा चलो बाद में देख लेते हैं इसका यूज कैसे किया गया है, इसका यूज कैसे किया गया है ना। चलो मैं अभी छोड़ देती हूँ, पहले हम लोग देख लेंगे कि ये कहाँ पे है। चलो चलो एक मिनट, पढ़ो पढ़ो, रुको रुको, तरह तरह के आंसर मुझे याद आ रहा है ना। चलो पहले आप इसको पहले पढ़ो, ये पढ़ो, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। पढ़ के डन बोलना, आंसर मिला कि नहीं। मुझे उम्मीद नहीं था कि आप लोगों को लास्ट वाला का आंसर में इतना कंफ्यूजन था आपको, फिजिक्स में जबकि पढ़ा है आपने, फिजिक्स में थ्रस्ट वर्ड पढ़ा है। हाँ थ्रस्ट, अब थ्रस्ट तो अलग है, थ्रस्ट करना पुश करना सडनली या बहुत तेजी से। पिंसर मिल गया है, क्वालिटी देखती हूँ कैसा है, क्वालिटी तो पूरा हाई क्वालिटी पे है। एक मिनट बोल भी नहीं रहे हो, पहला वाला ये है, अच्छा पहला वाला पैसेज का ये है पैराग्राफ। क्रिकेट का भी मिल गया है, नहीं, वो पिगे वाला पहला है, सॉरी। यहां से पढ़िए, यहां से पढ़िए। ये सब ना एनालिटिकल पैसेजेस है, बहुत सारा फैक्ट्स वगैरह बताया है, फैक्चुअल है। नहीं, मुझे पहला वाला पढ़ के बता। जूम नहीं कर सकती है ना, जूम में नहीं कर सकती हूँ, ये OBS मोड वाला जूम नहीं होता है। बताओ किसका किसका आंसर मिला है, एक का तो मुझे दिख ही रहा है, मेरे मेरे को दो का आंसर दिख रहा है। मेरे को तीन का आंसर तो मेरे को लग रहा है यहीं पे मिल गया। अभी फर्स्ट और सेकंड का मिला है ना, देखो यहाँ पे था ना, वो अपना बरो कहाँ बनाता है, द बरो इज नेवर मेड एट अ बेयर, बरो इज नेवर मेड,
बरोबर पॉइंट कोई खुला हुआ पॉइंट पे या क्लियर पॉइंट पे नहीं बनाया जाता है, इट इज ऑलवेज कमेंस्ड अंडर द शेल्टर ऑफ अ फेडेड लीफ ऑफ लेट्यूस। यहाँ पे बरो बनाते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे बरो बना देगा, आंसर मिल गया। बरो मेड कहाँ है? अंडर द शेल्टर। ये बेयर पॉइंट पे नहीं बनाते हैं, बट पूछा है कहाँ बनाते हैं। एक का तो आंसर मिल गया ना, और दूसरा पिंसर वाला भी है, पिंसर वाला भी मिल गया है। पिंसर वाला अगर मिल गया है तो कौन सा आंसर है बताना जरा, क्या है इसका आंसर? बरो है ना, गड्ढा, होल, होल, बरोज में होल बनाते हैं। बताओ इसका आंसर, पिंसर से वो क्या करता है? वेरी गुड। यहाँ पे ले डाउन द एक्सकेवेटेड मटेरियल थोड़ी है, पिंसर से क्या करता है, कहीं पे था ना ये देखो। बट ऑल्सो मेक्स यूज ऑफ द पिंसर्स, आपके उसके दांत में कुछ पिंसर्स होते हैं, मैंडिबल्स, इन ऑर्डर टू रिमूव, रिमूव ये जो छोटे छोटे पत्थर वत्थर होते हैं ना, ग्रेट पत्थर, सी होगा सी, शेल्टर मिस्टीरियसली थोड़ी है, पिंसर का यूज थोड़ी करते हैं। ऑल ऑफ दीज नहीं हुआ, एक और मिल गया। वेन डज द एक्सकवेटर गो, वेन डज द गो, यहाँ पे एक और आंसर मिल गया। वेन डज द एक्सकवेटर गो इन साइड द बरो, यहाँ पे मेरे को और मिल गया था। द एक्सकवेटर डिजपियर्स अंडर द इतना एंड प्रेजेंट आफ्टर 2 आवर्स ऑफ लेबर, 2 आवर्स की मेहनत के बाद, यहाँ भी मिल गया। तीन तो हमें हमें तो पहले ही पैराग्राफ में 3 मिल गया, पहले ही पैराग्राफ में 3 मिल गया। और दूसरा दूसरा, और इसका मतलब जो है ना, पुश करना मतलब थ्रस्ट करना, थ्रस्ट होता है ना, थ्रस्ट करना मतलब किसी को बहुत तेजी से पुश करना। अब आपके पास 1 बज गया। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द क्रिकेट, ये जो बिहेवियर है ना क्रिकेट, क्या ये बर्ड का बिहेवियर क्या होता है? जब सन इज शाइनिंग इन विंटर्स, ये क्या करती है? सन इज शाइनिंग इन विंटर्स, देखो क्या करती है। चलो अब वहीं पे चलते हैं जहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में तो नहीं था, क्रिकेटर्स वाला फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं था ना, सेकंड में था। चलो बताओ, ध्यान रखना है कि वो ए और सी दोनों होगा, क्योंकि यही सब अपना ना पैसेज गलत करवा देता है। अप्रैल कम्स टू एन एंड, अप्रैल, अप्रैल कम्स टू एन एंड। देखो एक बार आपके हाथ में गोलू, आपके हाथ में माउस रहेगा, आप एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेना। अप्रैल कम्स टू एन एंड एंड द सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट कमेंसेस, जब अप्रैल एंड होता है तो इनका सॉन्ग शुरू होता है, जब अप्रैल खत्म होता है तो मई आता है। इसका मतलब है कि ये गर्मी में गाना शुरू कर रही है ना, गर्मी में गा रही है, विंटर में थोड़ी गाना गाना गा रही है ये। देखो, अरे सॉरी, देखो कितना आपको बोलते हैं ना, अप्रैल खत्म होता है तो उनका सॉन्ग शुरू होता है, मतलब गर्मी में गाती है, बट यहां तो बोल रहे हैं कि वो विंटर में क्या करती है, विंटर में। तो ये तो ए तो बिल्कुल नहीं, ए नहीं होगा ना, तो 1 और 2 भी, 1 भी नहीं हो, क्या करती है वो, 1 और 3 नहीं होगा। अच्छे से देखो, देखो कितना लॉजिकल इसने दिमाग लगा दिया, क्या करती है ठंड में, ये क्या कर रही है, देखो ठंड में, अरे सॉरी, यहां से देखो वो विंटर में क्या क्या कर रही है। वन में कम से क्रिकेट थ्रस्टिंग आउट द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अर्थ, अर्थ मतलब जमीन से मिट्टी कोड़ के निकालती है, और फर्दर बरो, अपना होल को और भी गहरा करती है। और को तो आंसर क्या होगा? हाँ
रेस्ट थोड़ी करती है, एनलार्ज, फर्दर एनलार्ज, यही आंसर है ये। ठीक है, तो इस वीक में मैंने आपका 4 क्लासेस लिया और नेक्स्ट वीक में भी मैं आपके 4 क्लासेस ही लूंगी। आपका नेक्स्ट वीक, अब तो 2 दिन छुट्टी होगी, मंडे आ जाना, ट्यूसडे आ जाना, वेंसडे आ जाना, फिर फ्राइडे, ठीक है। और दिवाली वाले वीक देखना होगा, 4 4 4 ले लिया उधर, 4 ले लिया, 8 9, दिवाली वाले दिन तो मंडे रहेगा, उस दिन तो छुट्टी ही रहेगी। ओके, डग आउट किया। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ना पहले ही पैराग्राफ में मिल जाता है। ये मैं तो 3:30 बजे के बैच में तरह तरह का एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ ना, पहले क्वेश्चन पढ़ो, अगर क्वेश्चन मन नहीं है तो पहले पैसेज बनाते जाओ। और कई बार बच्चे बोलते हैं ना, मैम पूरा पहले पढ़ लेने दीजिए उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप क्वेश्चन भूल जाते हो, तब तक भूल जाते हो, उसी जैसे दिख गया ना वैसे आंसर टिक कर लो, वैसे टिक कर लो। पुश वाला गलत हो गया, सडनली पुश करना। चलो, थैंक यू एवरीवन।